ओम साईराम। शिरडी आ रहे हो तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। आज के वीडियो में लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए शिरडी दर्शन से रिलेटेड वो सारे सवालों के जवाब जो आप लोगों को चाहिए हैं। यहाँ पर बहुत कुछ चेंज हो चुका है पिछले 2-3 सालों में। अभी हाल ही में आवर रिस्पेक्टेड पीएम नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द साई संस्थान दर्शन क्यू कॉम्प्लेक्स। अभी दर्शन लेने के लिए भी आपको कॉम्प्लेक्स की लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा। बहुत कुछ चेंज हुआ है बोला था ना मैंने, इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको एक डिटेल में बताने वाली हूँ कि आप दर्शन कहाँ से ले सकते हो, प्रसाद कहाँ से खरीद सकते हो, शिरडी से रिलेटेड और भी कई सारी चीजें जो आपको पता होनी चाहिए आपके शिरडी ट्रिप के पहले। इस वीडियो को आप तो जरूर एंड तक देखना, उसी के साथ ही आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना, सो दैट उन्हें भी ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगे। वेलकम टू लाइफ एंड लीजो एंड वेलकम टू द लेटेस्ट शिरडी दर्शन गाइड। हर रोज शिरडी में 60,000 से भी ज्यादा लोग आते हैं अपनी अतुट भक्ति और श्रद्धा को लेकर। आप शिरडी जब चाहो तब आ सकते हो, पर सबसे ज़्यादा भीड़ शिरडी में सितंबर से दिसंबर के महीनों में होती है। दशहरा और दिवाली, होली, गुरु पूर्णिमा और गुड़ी पाड़वा ये कुछ ऐसे त्यौहार हैं जहां शिरडी में सबसे ज़्यादा भीड़ होती है। 1 से 1.5 लाख भक्त उस दौरान शिरडी आते हैं। वीकेंड्स के अलावा लोग शिरडी में वेनसडे रात को आना पसंद करते हैं क्योंकि थर्सडे साईं बाबा जी का दिन माना जाता है। मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप दर्शन लेने दोपहर के समय जाएं तो आपको थोड़ी सी भीड़ कम मिलेगी। आप सभी श्रद्धालुओं जैसे नॉर्मल दर्शन ले सकते हैं जिसमें आपको 15 मिनट से लेकर 3 से 4 घंटे तक लग सकते हैं। अगर आपको नॉर्मल दर्शन नहीं करना तो आप VIP दर्शन भी ऑप्ट कर सकते हो। रिसेंटली ही साई बाबा संस्थान ट्रस्ट ने नया श्री साई बाबा दर्शन क्यू कॉम्प्लेक्स बनाया है जहाँ से आप दर्शन के लिए जा सकते हो। ये बिल्डिंग पहले के मेन बिल्डिंग से कनेक्टेड है। इस बिल्डिंग में आपको टोटल 4 गेट्स मिलेंगे, गेट नंबर 1, 2, 3 एंड 4। गेट नंबर 1 और 2 जनरल लाइन के लिए है। यहाँ पर आपको कोई भी पैसे देने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली लाइन में लगकर बाबा जी के दर्शन ले सकते हैं। इस पूरे बिल्डिंग में टोटल 3 फ्लोर्स है और हर फ्लोर पर आपको बड़े बड़े वेटिंग हॉल्स देखने मिल जाएंगे, जिसमें से हर फ्लोर पर 4 वेटिंग हॉल्स जनरल लाइन के लिए है और 2 VIP लाइन के लिए, यानी कि टोटल 18 वेटिंग हॉल्स। अभी आप बाबा जी का दर्शन एकदम ही कम्फर्ट के साथ कर सकते हो। उसी के साथ ही गेट नंबर 3 VIP दर्शन के लिए है। आप यहाँ से नॉर्मल VIP दर्शन या आरती के लिए जा सकते हो अगर आपके पास VIP पास है तो। VIP दर्शन के लिए ऑफिशियल संस्थान के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना। सिर्फ और सिर्फ संस्थान के ऑफिशियल वेबसाइट से ही आप आपके VIP पासेस को बुक करना। ये आपको बताना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये फॉलो करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। मंदिर में चप्पल, फोन, लैपटॉप या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेकर जाना अलाउड नहीं है। पॉसिबल हो तो आप आपका सामान होटल में ही रखकर आ जाएं या फिर संस्थान के चप्पल और मोबाइल स्टैंड का यूज करें। अगर पुराने गेट्स के बारे में बताने जाऊं तो अभी भी पुराने गेट्स दर्शन के लिए चालू है पर सबके लिए नहीं। गेट नंबर 1 से अभी भी VIP एंट्रीज होती है। गेट नंबर 2 सीनियर सिटीजन के लिए है। आप वहाँ पर आपका एज प्रूफ दिखाकर डायरेक्ट एंट्री कर सकते हो। संस्थान के पास व्हीलचेयर्स भी अवेलेबल होते हैं, जस्ट इन केस आपके घर में किसी को ज़रूरत पड़ती है तो आप उसे यूज़ कर सकते हो। गेट नंबर 3 अभी भी शिरडी में रहने वाले लोगों के लिए है। शिरडी के रहिवासी और हैंडीकैप लोग इस गेट से डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं। गेट नंबर 4 ऑफिशियल वर्कर्स के लिए है। क्विकली दर्शन कर लेते हैं साईं बाबा जी का। ऑल्सो दर्शन की बात हो ही रही है तो मंदिर के ठीक सामने एंड शिरडी में बहुत जगहों पे आपको लोकल स्टोर्स दिख जाएंगे जहां से आप घर आपके लोगों के लिए सुविनियर्स लेकर जा सकते हो। दर्शन होने के बाद आप द्वारका माई भी जरूर जाना, ये एक धार्मिक महत्व रखने वाला स्थान है। द्वारका माई में 100 साल पहले साईं बाबा ने जलाई गई पवित्र अग्नि अभी भी जल रही है, जिसकी उदी आज भी भक्तों को प्रसाद में मिलती है। यादगार दर्शन के साथ एक और चीज घर लेकर जाना चाहते हो तो मैं सजेस्ट करूंगी, 2024 आ रहा है और हर साल की तरह इस साल भी श्री साईं बाबा संस्थान ने 2024 की डायरी प्रिंट की है। मैंने भी एक डायरी मेरे लिए परचेज की बस 105 रुपीज में। आप भी यहाँ से डायरी, साई चरित्र, पॉकेट डायरीज सब कुछ लेकर जा सकते हैं।
साईं बाबा कई बार चावड़ी में भी रहा करते थे, इसीलिए आज भी भक्त पूरी श्रद्धा के साथ शिरडी के साईं बाबा जी का दर्शन और द्वारका माई का दर्शन होने के बाद चावड़ी जाते हैं। उसी के साथ ही मंदिर परिसर में आपको बहुत सारे अलग अलग मंदिर भी देखने को मिल जाएंगे। दक्षिण मुखी मारुति भी उनमें से एक ही है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन डाल रही हूँ, जैसे आरती के टाइमिंग, साईं बाबा संस्थान की ऑफिशियल लिंक, एप्लीकेशन की लिंक और भी बहुत कुछ, तो डिस्क्रिप्शन भी डेफिनेटली चेक कर लेना। संस्थान के कैंटीन्स आपको हर जगह पे मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको चाय, कॉफ़ी, दूध, पानी बॉटल, बिस्किट सब कुछ मिल जाएगा। उसी के साथ ही लड्डू प्रसाद काउंटर पे आपके लिए और घर लेके जाने के लिए लड्डू का प्रसाद भी मिल जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 10 रुपये एक लड्डू के लिए। लड्डू लेकर थोड़ी सी शॉपिंग करके आप शिरडी में ढेर सारे फोटोज भी खिंचा सकते हो। ये वाला स्पॉट भक्तों के लिए एंड शिरडी में आने वाले टूरिस्ट के लिए एक फेमस स्पॉट है। उसी के साथ ही रिसेंटली ही शिरडी में एक नया गार्डन भी खुला है। आप यहाँ पर बैठकर शिरडी की पीसफुल वाइब को एक्सपीरियंस कर सकते हो। आपके बच्चे यहाँ पर खेल सकते हैं। बाबा जी की बड़ी सी मूर्ति है, उसे देख कर नमस्कार कर सकते हो और फोटो भी खिंचा सकते हो। संस्थान के कई आश्रम भी हैं जहाँ पर आप आपके परिवार के साथ बहुत ही कम दाम में रह सकते हो। उसी के साथ ही शिरडी में रोज संस्थान ट्रस्ट की फ्री बसेस चलते हैं, जो आपको आश्रम से मंदिर, मंदिर से प्रसादालय और प्रसादालय से वापस आश्रम लेकर जाते हैं, वो भी फ्री में। ये बसेस हर 15 मिनट में चलती रहती हैं, तो आप इन सारी चीज़ों का आनंद ज़रूर लें। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी एंड बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल भी लगी होगी। इस वीडियो में मैंने हर वो छोटी छोटी चीज कवर करने की कोशिश की है जो आप लोगों को शिरडी ट्रिप प्लान करने से पहले पता ही होनी चाहिए। इस बार जैसे आप देख सकते हो दर्शन क्यू कॉम्प्लेक्स नया नया खुला है, तो इसीलिए उसकी भी सारी डिटेल्स एंड सारे गेट नंबर्स, जहाँ जहाँ पे आप लोगों को जाने की भी जरूरत नहीं है, वो भी इन्फॉर्मेशन मैंने रिसर्च कर करके आप लोगों के लिए लेकर आई। अगर आपको ये सारे एफर्ट्स अच्छे लगे हैं तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके मुझे बताना कि आप शिरडी कब आना चाहोगे, किसके साथ आना चाहोगे, उन्हीं लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर देना एंड सब्सक्राइब करना लाइफ एंड लीजर को अगर अभी तक नहीं किया है। मैं मिलूंगी आपसे जल्दी ही एक नए वीडियो के साथ। अंटिल देन, ओम साईं राम।